शाजापुर जिले के शुजालपुर नगर पालिका द्वारा सोमवार को गांधी पार्क में चाय पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका की नगर ने समाज सेवी एवं प्रमुख लोगों को बुलाया, जिसमें चाय पर चर्चा करते हुए शहर की स्वच्छता के बारे में सुझाव जाने। दरअसल इस कार्यक्रम में नगर पालिका CMO निगहत सुल्ताना ने सभी आए हुए नागरिकों से शुजालपुर को स्वच्छ बनाने के लिए उनके सुझाव जाने। लोगों ने भी नगर पालिका को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहीं हाल ही में आए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में शुजालपुर 14वें स्थान पर रहा है, जिसको लेकर नगरपालिका CMO निगहत सुल्ताना को प्रमुख सचिव द्वारा सम्मानित भी किया गया। मैम, सबसे पहले बधाई, आपको पुरस्कृत किया गया स्वच्छता में 14वें नंबर आने पर, और शुजालपुर आगे कैसे बढ़े, स्वच्छता में कैसे नंबर 1 पर पहुंचे, उसके लिए आज चाय पर चर्चा, क्या लोगों से चर्चा हुई है? सबसे पहले तो धन्यवाद शुजालपुर के नागरिकों का, शुजालपुर के बुद्धिजीवियों का, कि स्वच्छता परिवार का, कि हम लोग इस मकाम को हासिल करने में कामयाब हुए। आज चाय पे चर्चा में बहुत सी चीज़ें सामने आई है, जिससे महत्वपूर्ण बिंदु ये थे कि पाउच के जो रैपर्स हैं उन पर कंट्रोल हो, डिस्पोजल्स जो चाय वगैरह के हैं उन पर कंट्रोल हो, तो हम बिल्कुल उसके लिए प्लानिंग करेंगे। खाली पड़े प्लॉट से उनकी साफ सफाई, वो हमारे लिए एक विशेष मुद्दा रहेगा, जिसपे कि हम लोग कार्यप्रणाली बना के और एक कार्य योजना बना के फिर उसके ऊपर कार्य करेंगे। साथ में आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए हमने लोगों से अपील की है कि वार्ड स्तर पर हम कमेटी बनाएंगे, और वार्ड स्तर से हम खुद भी जाएंगे, साथ में हमारी जो भी कमेटी बनेगी वार्ड के नागरिकों की, वो बिल्कुल लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आगामी सर्वेक्षण में हम इससे भी बेहतर स्थान प्राप्त कर पाएंगे। लोगों से क्या अपेक्षा है? लोगों से अपेक्षा ये है कि अभी तक जो सहयोग मिला वो निरंतर बना रहे, और उसके बाद हम खुद जागरूक हों, लोगों को जागरूक करें, और शुजालपुर जो है उसके लिए सिर्फ एक ही नारा है कि स्वस्थ शुजालपुर, स्वच्छ शुजालपुर, हमारा शुजालपुर। शुजालपुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।